दोस्तों, अगर हम कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं ईएमआई पे, तो उसके लिए हमारे पास जो है क्रेडिट कार्ड का होना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि बगैर क्रेडिट कार्ड के भी आप ईएमआई पे सामान ले सकते हो, जी हां दोस्तों, बगैर क्रेडिट कार्ड के भी आप अब ईएमआई पे सामान ले सकते हो। असल में दोस्तों, फ्लिपकार्ट ने अपना एक नया सर्विस चालू किया है जिसका नाम है कार्डलेस क्रेडिट, जहां पे फ्लिपकार्ट आपको 60,000 तक का क्रेडिट देता है, जिसे आप जो है ईएमआई के लिए यूज कर सकते हो। और इसके लिए बहुत ज्यादा झमेला भी नहीं है, बड़े ही आसानी से ये क्रेडिट जो है दोस्तों मिल जाता है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये जो ऑफर है अभी कुछ सिलेक्टेड यूजर्स के लिए ही है, सभी यूजर्स को ये ऑफर नहीं मिल रहा है। तो आप जो है अपने मोबाइल पे जाके चेक कर सकते हो, और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन जो है फ्लिपकार्ट का, उसी पे अवेलेबल है, ये उनकी साइट पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो जाके चेक कर लो कि आपके पास ये ऑफर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। मैं आपको डेमो दिखा देता हूं कि कैसे आपको अप्लाई करना है, साथ ही आपको बताऊंगा कि इसमें क्या कुछ चार्जेस लगेंगे, और साथ ही आपको डेमो भी दूंगा बाय करके कोई सामान के कितना परसेंट का हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में बताऊंगा, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो, और आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्दी से कर दो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको रोजाना हमारे चैनल पे मिलते ही रहेंगे। उम्मीद है दोस्तों कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और मैं इस वीडियो का लाइक एम जो है 1000 का रखता हूं, और उम्मीद है आप मुझसे प्यार करते हैं और हमारा जो लाइक एम है 1000 लाइक का आप पूरा कर देंगे। तो चलिए मैं आपको अपने फ्लिपकार्ट ऐप पे जाके दिखा देता हूं कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है। तो ये हमारा फ्लिपकार्ट का ऐप जो है खुल चुका है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। तो आप स्क्रॉल डाउन करके अगर नीचे जाएंगे तो नीचे के तरफ दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा कार्डलेस क्रेडिट। यहाँ पे देखिए आप, अप टू 60,000 क्रेडिट, नो कॉस्ट ईएमआई ऑन ऑल प्रोडक्ट, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, 3 एंड 6 मंथ। तो आपको करना क्या है, ये अगर ऑप्शन आपको दिखेगा तो वहां पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कार्डलेस क्रेडिट बाय फ्लिपकार्ट, अप्लाई नाउ, अवेल नो कॉस्ट EMI on all product for 3 and 6 months। उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन जो हैं दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कार्डलेस क्रेडिट के लिए आपके पास दो चीज़ों का होना जरूरी है अप्लाई करने से पहले। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पहले ही अप्लाई कर दिया है, तो इसके लिए आपको दो चीज़ों का होना जरूरी है। सबसे पहले तो आपका पैन कार्ड का होना जरूरी है, उसके बाद आपका आधार कार्ड होना जरूरी है, और तीसरी चीज़ दोस्तों आपका आधार कार्ड से लिंक्ड किया हुआ मोबाइल नंबर, क्योंकि आधार कार्ड से जो लिंक्ड किया हुआ मोबाइल नंबर है ना, वो आप आधार कार्ड इंटर करेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास जो है OTP आएगा, तो वो नंबर होना चाहिए जो कि आपने आधार कार्ड के साथ लिंक किया हो आपके पास। उसके बाद आपके पास OTP आएगा, और OTP वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आपके पास जो है यहाँ पे रिव्यू करने का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर दिखेगा, अपना नाम दिखेगा, आधार कार्ड नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस वगैरह दिखेगा। तो उसके बाद जो है आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो है थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा एप्लीकेशन का, और उसके बाद जो है वहाँ पे कैलकुलेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा कि आप जो है कितना क्रेडिट के लिए एलिजिबल हैं। तो मुझे जो क्रेडिट मिला है दोस्तों, वो तकरीबन मिला है 20,000 का। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने दोस्तों पहले ही अप्लाई कर दिया है, फिर भी मैं अप्लाई नाउ पे करता हूँ, तो आप देखिएगा यहाँ पे अप्लाई नाउ में मैं करता हूँ, तो देखिए मेरा 20,000 का क्रेडिट लिमिट दिखा रहा है मेरे अकाउंट पे। और ये जो क्रेडिट है दोस्तों, इससे जो है मैं कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ EMI पे, और इसके लिए मुझे कोई भी डाउन पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं मिली है। तो मैं जो है 20,000 क्रेडिट लिमिट के लिए एलिजिबल था, तो मुझे मेरे अकाउंट पे फ्लिपकार्ट की तरफ से 20,000 की लिमिट जो है दे दी गई है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से जो है आप कार्डलेस क्रेडिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मुझे 20,000 का क्रेडिट मिल गया है, और मैं जो है अब इससे EMI पे सामान ले सकता हूँ। तो दोस्तों अब जो है मैं आपको डेमो दे देता हूँ, कोई चीज़ बाय करके दिखाता हूँ, और देखते हैं कितना परसेंट का इंटरेस्ट वगैरह लगता है और क्या प्रोसेस है। तो मैं यहाँ से Redmi Note 5 Pro को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो Redmi Note 5 Pro अभी देख सकते हैं यहाँ पे इसकी प्राइस जो है 15,000 दिखा रही है, तो ये मैं बाय नाउ करता हूँ। बाय नाउ करने के बाद डिलीवरी ऑप्शन आ रहा है, तो इसको जो है मैं कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे, आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो दो नए ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, एक तो कार्डलेस क्रेडिट है EMI, उसके बाद कार्डलेस क्रेडिट पे लेटर। अगर कार्डलेस क्रेडिट EMI करते हैं तो यहाँ पे आपको EMI का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और दूसरा जो ऑप्शन है कार्डलेस क्रेडिट पे लेटर, तो इसके लिए आप जो है 0% इंटरेस्ट पे अगले महीने के 15 तारीख तक जो है पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कार्डलेस क्रेडिट EMI सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ देख सकते हैं EMI स्टार्टिंग जो है 1426 रुपये से दिखा रही है। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ,
और अब जो है देख सकते हैं आप यहाँ पे, मैं अगर 3 महीने का करता हूँ ईएमआई तो यहाँ पे मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, 0% इंटरेस्ट पे ये मुझे मिल रहा है। और मैं अगर 6 महीने का ईएमआई करता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे जो है कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, और 2500 रुपये करके महीने जो है मैं 6 महीने पे कर सकता हूँ 0% इंटरेस्ट पे। उसके बाद अगर मैं 9 महीने का सिलेक्ट करता हूँ तो 9 महीने का सिलेक्ट करने से मुझे लगभग 25% तक का इंटरेस्ट लग सकता है, और जो एक्स्ट्रा चार्ज है दोस्तों वो तकरीबन मुझे 1606 रुपये का लग सकता है, और मुझे हर महीने 1845 रुपये करके पे करना पड़ेगा 9 महीने तक। वहीं अगर मैं 12 महीने के लिए सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे भी 25% तक का इंटरेस्ट मुझे दिखा रहा है, और यहाँ पे जो टोटल चार्ज है बैंक का वो है 2108 रुपये दिखा रहा है, और मुझे 2108 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, और मैं मंथली जो पे करूँगा इसके लिए मुझे 1426 रुपये पे करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से जो है टर्म एंड कंडीशन है, इस तरह से जो है आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा डेमो वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और कुछ इस तरह से जो है मैंने जैसे आपको दिखाया उस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 चीज़ों का आपके पास होना जरूरी है, आपका पैन कार्ड, उसके बाद आपका जो है आधार कार्ड, और आधार कार्ड से लिंक्ड किया हुआ मोबाइल नंबर, तभी जाके आप जो है इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये ऑफर जो है अभी फिलहाल सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं है, तो आप जाके देखिए कि आपको जो है फ्लिपकार्ट कार्डलेस क्रेडिट का ऑप्शन दिखा रहा है या फिर नहीं दिखा रहा है। अगर दिखा रहा है तो मैंने जैसे आपको बताया उसी तरह से जो है आप स्टेप फॉलो करके अप्लाई कीजिए, और आप भी जो है कार्डलेस क्रेडिट का मजा ले सकते हैं। अब मैं कुछ टर्म एंड कंडीशन के बारे में आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं सारे टर्म एंड कंडीशन नहीं बताऊंगा नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन के बारे में बताना चाहता हूं। अगर हम कोई सामान ईएमआई पे लेते हैं कार्डलेस क्रेडिट से तो उसका ईएमआई हम कैसे पे करेंगे, ये बात तो जरूर आपके मन में आई होगी। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए जो है आपको नेट बैंकिंग से पे करना पड़ेगा या फिर आपके डेबिट कार्ड से पे करना पड़ेगा, और ये पेमेंट जो है आपको कब तक पे करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप मान लीजिए इस महीने की अगर 1 तारीख को कोई सामान लेते हैं तो अगले महीने की 15 तारीख तक आपको उसका पेमेंट करना है। जी हाँ दोस्तों, लगभग आपको 45 दिन का टाइम मिल जाएगा। मान लीजिए आज 1 अक्टूबर है और मैंने कोई जो है प्रोडक्ट 3 महीने के लिए यहाँ पे बुक किया है ईएमआई पे, तो मुझे पहली जो किस्त है दोस्तों वो 15 नवंबर तक देनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, 45 दिन का लगभग मुझे टाइम मिल जाएगा। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आप 30 तारीख को भी अगर लेते हैं इसी महीने का तो आपको 15 तारीख तक पे करना पड़ेगा, ये भी बात आप ख्याल रखिएगा। अब दोस्तों एक बात और आपके मन में आ सकता है कि अगर हम पेमेंट नहीं करते हैं या पेमेंट करने में डिले हो जाता है तो क्या होगा, क्या इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा या कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप पेमेंट करने में डिले करते हैं, मान लीजिए आपको 15 अक्टूबर तक पे करना है और 15 अक्टूबर को अगर आप पे नहीं करते हैं, लेट हो जाता है आपका पेमेंट करने में, तो आपको फाइन लगेगा इसके लिए। और अगर दोस्तों आपने पेमेंट ही नहीं किया तो फिर क्या होगा, तो दोस्तों कंपनी जो है आपके अगेंस्ट में एक्शन ले सकती है, और उनके पास बहुत सारे उपाय हैं कि कैसे आपसे वो पेमेंट वसूल कर लेंगे। तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैं पेमेंट नहीं करूँगा और मैं बच जाऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कंपनी जो है अपना हिसाब किताब करके रखती है कि उनको कैसे पैसे वसूल करने हैं। तो बस दोस्तों ये छोटा सा टर्म एंड कंडीशन था, बाकी इसके अलावा भी और भी बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन है जो कि आप अगर एलिजिबल होते हैं तो पढ़ सकते हैं जाके। अगर मैं पूरे टर्म एंड कंडीशन बताने जाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके अपना प्यार दिखाइएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।